और मैं हूँ आपका दोस्त निखिल देव। निखिल, आज तुम कुछ भूल नहीं रहे हो। अरे, भूलने की आदत मेरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, वर्ल्ड फेमस है, तो अब तो। और मुझे लगता है जो हमेशा नई नई टेक्निक्स लेकर आते हैं ये याद करने की, लर्न करने की, उसका असर तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है। होगा क्यों नहीं, प्रैक्टिस जो कर रहा हूँ। राइट, और आज का हमारा प्रोग्राम भी उसके ऊपर है कि जो एप्लीकेशन है मेमोरी की वो कैसे करनी है, जो भी आप याद कर रहे हो उसको फीड कैसे करना है और दिमाग में रिटेन कैसे करना है। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, आपको ज्यादा वेट नहीं कराते हैं और बच्चों का वेलकम करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हमारे एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं। हमारी पहली एक्सपर्ट, हमारी गेस्ट है डॉक्टर अदिति सिंघल, जो कि एक मेमोरी एंड माइंड एक्सपर्ट हैं और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में उनका नाम भी दर्ज हो चुका है। वेलकम टू आवर शो मैम। और आज के हमारे सेकंड एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन जी। जी हाँ, ये एक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट फैकल्टी है और पिछले 22 सालों से ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसी बहुत सारी बढ़िया ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और हमारे थर्ड स्पेशल गेस्ट है रितु ठक्कर जी। रितु ठक्कर मैम जो है ये एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है और ब्रह्म कुमारी के साथ पिछले 12 सालों से मेडिटेशन की ट्रेनिंग दे रही हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं एक बार फिर से। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। तो आज के इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। व्हेल्स एंड डॉल्फिन ब्रीथ थ्रू ब्लू होल्स। व्हेल्स एंड डॉल्फिन ब्रीथ थ्रू ब्लू होल्स। बहुत हो गई पढ़ाई, बहुत हो गया, मैं नहीं पढ़ा। आगे 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 चल पड़ी मेरी गाड़ी। गंधर्व, गुड आफ्टरनून मॉम। गुड आफ्टरनून बेटा, वीडियो गेम खेल रहे हो? होमवर्क किया? हाँ कर लिया। दिखाओ, और ये छोड़ो वीडियो गेम, याद हुआ? हाँ। बताओ, हाउ डू डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू? क्या हूँ, याद किया या नहीं? सुबह ही तो टीचर ने कराया, पर अभी भूल गए? भूल गया, क्योंकि वो बहुत लेंदी था ना, इसलिए। चलो याद करो, सारा दिन वीडियो गेम में दिमाग लगा रहता है। सुबह याद कराया, शाम को भूल गया, ऊपर से बहाना कि लेंदी था। मेरी भी मेमोरी वीक होती जा रही है। अभी चाबी लगी रखी और अभी भूल गई। ये दी आपके केस। ओ, मुझे लग रहा है तुमने ही छुपाई थी, मैं इतनी देर से ढूंढ रही हूँ। नहीं नहीं, मैंने नहीं छुपाई थी, आप ही रख के भूल गए थे। वैसे मम्मी, आपका तो 5 मिनट भी नहीं हुए अंदर आए और आप इतनी जल्दी भूल गए, ये तो इतना लेंदी भी नहीं था। जैसा कि हमने क्लिप देखा कि बहुत बार ऐसा होता है हम लोग के साथ भी कि सुबह का जो पढ़ा है वो हमको शाम तक याद नहीं रहता है। ऐसा आप लोग के साथ भी होता है बच्चों, राइट? तो अदिति जी, मेरे को यही पूछना है कि कोई ऐसी टेक्निक है क्या जब टीचर पढ़ा रही है तो तुरंत हम उसको तभी के तभी लर्न करके और लंबे समय तक एटलीस्ट हमको याद रहे, हमारे दिमाग में वो फीड रहे, ऐसी कोई टेक्निक है? हाँ, वाई नॉट। कितना अच्छा होना स्टूडेंट्स की टीचर जब पढ़ा रही है, हम मोस्टली क्या करते हैं, हम पूरा कंसंट्रेशन से सुनने की कोशिश करते हैं, फिर घर पे जाके उसको रिवाइज करते हैं, याद करते हैं। अगर उसी टाइम याद हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, ठीक है? चलिए, आज मैं आपको ऐसी ही एक टेक्निक बताने वाली हूँ जिसको यूज़ करके आप स्कूल में ही जब टीचर पढ़ा रही है तो सब कुछ आपके ब्रेन में रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आप ही के कोर्स में से, जिसको अगर टीचर पढ़ा रही है तो हमें कैसे कॉन्सेंट्रेट करके सुनना है, ठीक है? हाँ, एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। लेट्स से द क्वेश्चन इज लिस्ट 7 ways इन विच फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस, ठीक है? अब इसके अंदर यहाँ पे 7 points हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस आंसर को याद करने की टेक्निक बताऊँ, मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हम मेमोरी टेक्निक से रोट मेमोराइज नहीं करते हैं, रटते नहीं हैं चीज़ों को, ठीक है? सबसे पहला स्टेप जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन से उस क्वेश्चन को, आंसर को पढ़ना या टीचर पढ़ा रही है सुनना, ठीक है? और उसको समझना, क्योंकि जितना आप समझेंगे उतना उसकी पिक्चर क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि मन की भाषा क्या है? पिक्चर्स है।
हमारी ब्रेन में जो मेमोरी स्टोर होती है वो पिक्चर्स के फॉर्म में होती है. ठीक है, तो मान लीजिए ये 7 की पॉइंट्स हैं. अब मुझे सुनते सुनते अपने ब्रेन में रजिस्टर करने हैं. तो मान लीजिए ये आपका क्लासरूम है. ठीक है, अब कुछ क्लासरूम को इस तरीके से देखिए. जैसे यहाँ ध्यान कीजिए, यहाँ पे बलून्स हैं, देख सकते हैं. ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने देखा यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं. अच्छा इसके आगे हम देखते हैं, वो देखिए सामने कुछ लीव्स दिखाई दे रही हैं, राइट. अच्छा उसके बाद देखें ये स्क्रीन दिखाई दे रही है. और उसके बाद यहाँ पर अगर हम जाएं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ऑरेंज और येलो कलर के स्लिट्स हैं. ठीक है, और इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं. और उसके बाद ये सेंटर स्टेज है. कुछ पॉइंट्स मैंने अपने क्लासरूम में लोकेट कर लिए. अब हम क्या करेंगे, जैसे ही टीचर आंसर समझा रही है, हमें पहला पॉइंट मिला प्रिवेंट फ्लड्स एंड मेंटेन द वाटर टेबल. तो हमें क्या करना है, अब इस पॉइंट को समझकर अपने पहले पॉइंट के साथ, अपनी पहली प्लेस के साथ हमें लिंक कर देना, एसोसिएट कर देना. कैसे, प्रिवेंट फ्लड्स. अब ये बैलून हमने क्यों लगाए हैं, जिससे जो भी फ्लड आ रही है उससे हम बचे रहें. ठीक है, ओके. एंड मेंटेन वाटर टेबल, इस टेबल पे जो वाटर है वो एज इट इज रहे. तो आप सब अपने मन में विजुलाइज करें कि ये जो बैलून्स हैं वो यहाँ पर इसलिए रखे हैं जिससे कि फ्लड का पानी इधर नहीं आए और जितना ऑलरेडी टेबल पे वाटर है वो मेंटेन रहे. कैन यू ऑल विजुलाइज दैट, राइट, ओके. नाउ सेकंड पॉइंट इज प्रिवेंट सॉयल इरोजन. अब हमारे सेकंड प्लेस क्या था, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. अब यहाँ स्टूडेंट्स क्यों बैठे हैं, मिट्टी को पकड़ के बैठे हुए हैं, सॉइल को पकड़ के बैठे हुए हैं और जिससे कि इरोजन ना हो. कैन यू ऑल विजुलाइज. तीसरा पॉइंट है सप्लाई ऑक्सीजन. अभी वो देखिए वहाँ पे जो लीव्स हैं वो आपको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं. इजी है एसोसिएट करना, फाइन. नेक्स्ट इज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. अभी देखिए ये जो हमारा स्क्रीन है ना, ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है. हाँ, क्योंकि हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी नहीं है, इसलिए ये स्क्रीन सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कूल द एयर एंड इंक्रीज रेनफॉल. हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कौन सी प्लेस है हमारी, हाँ ये स्ट्रिप्स. इसको ऐसे देखिए जैसे एसी की विंडो है. ठीक है, और उसमें से कूल एयर आ रही है, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या है, कूल द एयर. तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हाँ ठंड लग रही है और उससे बारिश भी तेज हो रही है. कैन यू ऑल सी. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस प्लेस. और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ. तो अभी देखिए यहाँ पे बच्चे नहीं बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स बैठे हुए हैं. ओके, थोड़ी देर के लिए हम सोच लेते हैं कि यहाँ वाइल्ड एनिमल्स बैठे हुए हैं और उनको फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा है, सुरक्षित है वो बिल्कुल यहाँ पे. और हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. हाँ, तो हम यहाँ देखेंगे कि सेंटर स्टेज पे क्या है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. कौन से होते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, थोड़ा सा हम विजुलाइज करेंगे, वुड, रेजिन्स, गम्स. ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखे हुए. कैन यू ऑल सी दैट. चलिए अब ऐसा करते हैं, हम ये स्क्रीन पर से आंसर हटा देते हैं. याद हो गया, रजिस्टर हो गया. जैसे ही टीचर ने पॉइंट्स बताए, आपके दिमाग में ये क्लासरूम तो पहले से था, है ना, और उसमें हमने फटाफट से सेव कर दिया. अब आंसर कहाँ है, हमारे माइंड में, राइट. अब जैसे ही मैं इस कॉर्नर पे देखती हूँ जहाँ बच्चे बैठे हैं, मुझे क्या याद आएगा, अच्छा जरा सोच के बताइए. अच्छा इस कॉर्नर पे देखती हूँ तो क्या याद आएगा, वाइल्ड एनिमल्स एंड शेल्टर, फूड एंड शेल्टर फॉर वाइल्ड एनिमल्स. अच्छा ये बताइए स्क्रीन से क्या याद आएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा स्टेज से क्या याद आएगा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. अच्छा उन बैलून से क्या याद आएगा, प्रिवेंट फ्लड एंड मेंटेन वाटर टेबल. वेरी गुड. अच्छा उन लीव से क्या याद आएगा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. हाँ इन स्ट्रिप से क्या याद आएगा, कूल द एयर एंड इंक्रीज रेनफॉल. एंड इंक्रीज रेनफॉल. सारे पॉइंट्स याद हो गए. कितना समय लगा, यस यू कैन क्लैप फॉर योरसेल्फ. वाओ, आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, चाहे शॉर्ट आंसर्स हो, चाहे लॉन्ग आंसर्स हो, चाहे फॉर्मूले हो, चाहे डेट्स हो, कुछ भी चीज़ याद करनी हो आपको अपने सिलेबस में से या आउट ऑफ द सिलेबस भी, तो आप इस प्रिंसिपल को यूज करके कुछ भी याद कर सकते हैं. ये हर एक चीज़ पे अप्लाई होता है. हाँ, और इसको हम समराइज कर सकते हैं एक छोटे से वर्ड में, एयर, ए आई आर, एयर. जैसे एयर हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है,
ऐसे ही हमारे ब्रेन में कुछ भी रजिस्टर करने के लिए और लंबे समय तक रखने के लिए ये एयर बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये वो वाली एयर नहीं है, ये डिफरेंट एयर है। इसको समझे? चलिए, ए स्टैंड्स फॉर लॉ ऑफ एसोसिएशन, कनेक्शन। जैसे ही मैं आपसे कहती हूँ, आपको इस सेंटर स्टेज से क्या याद आता है? फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। हाँ, जैसे ही मैं आपको कहती हूँ, यहाँ बच्चों को देख के क्या याद आता है? प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो ये क्या है? कनेक्शन, कनेक्शन। इस स्टेज से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का कनेक्शन है, तो आपको वो पॉइंट एकदम से याद आ रहा है, राइट? चाहे मैं बीच में से पूछूं, चाहे मैं सीक्वेंस में पूछूं, सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में है, इजी है? इस ए के साथ ये आई भी बहुत इंपॉर्टेंट है एयर का। आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनेशन। अभी थोड़ा सा याद करके बताइए कि इन स्लिट से आपको क्या याद आता है? Cool the air and increases rainfall. अब जरा बताइए, क्या यहाँ रेनफॉल हो रही है? तो कहाँ पर हुई थी रेनफॉल? हाँ, आपकी इमेजिनेशन में, माइंड में हुई थी, राइट? तो दैट्स द लॉ ऑफ इमेजिनेशन। हम आज दिन तक सुन सुन के याद करते थे या लिख लिख के याद करते थे, पढ़ पढ़ के याद करते थे, ऑल्दो दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रजिस्टरिंग द इन्फॉर्मेशन, लेकिन आज आपने इमेजिनेशन के थ्रू याद किया। तो अभी जितनी बार भी आप वहां देखेंगे या मन में सोचेंगे, क्या याद आएगा? कूल एयर एंड रेनफॉल याद आएगा, राइट? तो ये है पावर इमेजिनेशन की। और जो भी हम देखते हैं ना, वो हमें ज्यादा अच्छे से याद होता है, होता है या नहीं होता है, है ना? अब और ये दोनों काम करते हैं तीसरे लॉ के साथ, दैट इज आर लॉ ऑफ रिडिकुलस थिंकिंग। रिडिकुलस थिंकिंग मींस अजीब सोच। जो भी चीज ऑड है, सिली है, फनी है, आउटस्टैंडिंग है, रिडिकुलस है, स्ट्रेंज है, वो हमारे ब्रेन में जल्दी रजिस्टर होती है। अभी जरा सोच के बताइए, क्या कभी बच्चे मिट्टी पकड़ के बैठते हैं कि सॉइल इरोजन ना हो जाए? हाँ, ऐसा होता है क्या? या कभी कोई स्क्रीन ऐसा होता है कार्बन डाइऑक्साइड खींच ले? ऐसा नहीं था। या ऐसा होता है क्या यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, हाँ, बच्चों की जगह वो बैठे हुए हैं? ये सारी चीजें क्या थी? फनी थी, थी ना? फनी, हाँ, रिडिकुलस थी। तो जब भी हम इन तीनों प्रिंसिपल को, एसोसिएशन, लिंक करना, वाइल इमेजिनिंग इट इन आर माइंड विद रिडिकुलस थिंकिंग, इस एयर प्रिंसिपल को हम कहीं भी यूज करते हैं, तो विदाउट एनी एफर्ट और विद वेरी लेस एफर्ट इट गेट्स रजिस्टर्ड इन आवर ब्रेन। तो टीचर जब पढ़ाए, इस एयर प्रिंसिपल को यूज करिएगा, आपको घर पे मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ओके? वाओ, अदिति मैम, आपने कितनी अच्छी टेक्निक हमको बताई एयर से रिलेटेड, जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे, और इतनी जल्दी वो 7 स्टेप्स हम लोग को याद हो गए। मुझे लगता है कि अदिति मैम, अगर निखिल तुम्हारी क्लास में होती तो शायद तुम और इंटेलिजेंट हो सकते थे। सतनाम जी, मैं बचपन में नहीं कर पाया, अभी तो कर ही लेता हूँ, क्योंकि ऐसे एक्सपर्ट जो मिले हैं। बिल्कुल। वेल, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, सुनते हैं। दिल्ली द्वारका से आई हूँ यहाँ पर। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे जैसे मेरी वैसे याददाश्त बहुत तेज हुआ करती थी बचपन में, अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, मेरे को लगता है मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती जा रही है। कई बार कोई चीज़ रखती हूँ तो उसको रख के भूल जाती हूँ, कई बार कोई नाम होता है वो नाम याद ही नहीं आता, कोई घटना होती है, कोई इवेंट बताने लगती हूँ तो समझ ही नहीं आता कि क्या इवेंट थी, क्या बात थी। तो क्या कुछ ऐसे हैं कि ऐसा कुछ किया जा सकता है कि इस उम्र में भी मैं अपनी मेमोरी बरकरार वैसे ही जैसे मेरी बचपन में थी और ये और नहीं घटे, इसके लिए कुछ किया जा सकता है? हम लोग के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, खासकर मेरे साथ भी कभी होती है मॉम के साथ, कि हम नाम भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहती, कहीं रखी है भूल जाते हैं, चश्मा लगा रहता है यहाँ पे लेकिन हम भूल जाते हैं। तो इसकी कोई टेक्निक बताइए कि हम ये एज में भी उसको याद रख सकें। यस, अरुण मैडम, वो बहुत एक सुंदर आपका प्रश्न था। और जहाँ तक स्मरण शक्ति या मेमोरी की बात है, छोटे बच्चों से लेकर हम बड़ों, सभी को ये बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट? और आज हमारा जो टॉपिक ही है वो है एप्लीकेशन ऑफ मेमोरी। ऐसे होता है ना बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, एक होता है फिजिक्स, दूसरा होता है अप्लाइड फिजिक्स, राइट? एक होता है केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। अतः जब हम फिजिक्स के उस फॉर्मूलाज को हम जब जीवन में अप्लाई करने लगते हैं, उसको हम अप्लाइड फिजिक्स कहते हैं। आज जो हमने एयर का प्रिंसिपल आज हमने सीखा, उसको आप बच्चों ने तो पढ़ाई में बहुत अच्छी तरह से यूज किया, राइट? अब जो मैडम पूछ रही है, उसको भी हम उसी टेक्निक के द्वारा कर सकते हैं। जैसे मैडम ने कहा कि बचपन में बहुत अच्छी मेमोरी होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी मेमोरी कम होती है।
जब हम उम्र के साथ होता है देयर कुड बी टू रीजंस. फर्स्ट रीजन, कभी कभी ब्रेन में जो वायरिंग है उसमें थोड़ा सा हार्डवेयर इश्यू हो सकता है, कभी कभी वो होता है राइट उसका, लेकिन इतना परसेंटेज इफेक्ट नहीं करता. लेकिन दूसरा जो मेजर रीजन होता है, जहां वो अरुण मैडम कह रहे थे कि बचपन में बहुत अच्छी मेमोरी है, उसके पीछे कारण ये होता है कि हमारी जो अवेयरनेस होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है. आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. जैसे अगर जब हम कहीं पर मोबाइल को रखते हैं, जैसे ही हमने वो मोबाइल रखा, मोबाइल रखते वक्त हमारा जो मन रूपी कैमरा उसको कैच करना चाहिए, उसको फोटो खींचना चाहिए. जैसे आप बच्चों ने इतने सारे ये फोटो खींचे, मन रूपी कैमरा से ही तो खींचा. तो बड़ों के साथ क्या होता है निखिल सर, जब हम कैमरा रखते हैं उस समय हमारा मन रूपी कैमरा और कोई सा फोटो को खींच रहा होता है. तो ये जो मोबाइल हमने रखा राइट सतम मैम, वो रजिस्टर नहीं होता. आई गॉट योर पॉइंट, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने रखा वो रजिस्टर नहीं हुआ. और बड़ों के साथ ऐसे होता है क्योंकि बड़ों की बहुत ज्यादा जिम्मेवारी होती है, बहुत सारे संकल्प चलते, तो उसके बहुत सारे फोटो भी वो खींचते रहते हैं राइट. नंबर वन. सो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं बड़ों को सबको समझाना चाहूंगा कि अगर हमने अपने जीवन में अवेयरनेस को, जागृति को हमने बढ़ाया राइट, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मेमोरी है किसी भी उम्र में बहुत ज्यादा हो सकती है. इसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे आप कोई गार्डन में जा रहे हो, आप सभी बच्चे गार्डन में गए तो आप उसमें रंग बिरंगे फूल देखते हो, फ्लावर्स देखते हो. तो जब आप एक रंग बिरंगे फ्लावर को देख रहे हो, कुछ क्षणों तक उस फ्लावर को देखकर उस फ्लावर को महसूस करो, उसके रंग को महसूस करो, उसके स्वरूप को महसूस करो, उसके सुगंध को महसूस करो. नाउ दिस इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू गेट रजिस्टर्ड. मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा खास बच्चों को और उनके माता पिता को कि अगर आपको अवेयरनेस को बढ़ाना है तो एक काम करना चाहिए. सभी बच्चे करेंगे, करेंगे राइट. क्या करना है, द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर अवेयरनेस इज जब आप भोजन कर रहे हो. बच्चों को भोजन करने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेटली 10-15 मिनट्स. जब आप आज का भोजन कर रहे हैं, वो भोजन का जब थाली आपके सामने आता है राइट, उस समय आप टोटल अवेयरनेस के साथ उस भोजन को देखो राइट. चावल है, दाल है, सब्जी है. अक्सर बच्चे क्या करते हैं जब भोजन कर रहे होते हैं, वो क्या देख रहे होते हैं, जोर से बोलिए, आप भोजन कर रहे हैं, टेलीविजन, वहां का वीडियो आ रहा है, यहाँ का साउंड आ रहा है, ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे जैसे एक संस्कार बन. आज एक काम करिए, भोजन का थाली आपके पास है, भले टीवी चल रहा है, भले बाहर से आवाज आ रही है, लेकिन आप अपने पूरे मन को और मन के द्वारा जो चित्र बना रहे हो, सारा अवेयरनेस उस भोजन में अगर रहेगा 10-15 मिनट, और उस भोजन को बहुत अच्छी तरह से महसूस करो, उसको अच्छी तरह से च्यू करो, और जब वो भोजन जा रहा है तो आप देखो आप बहुत बहुत शक्तिशाली बन रहे हो. यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रांग, बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल. और लास्ट, क्योंकि आज एप्लीकेशन ऑफ मेमोरी की बात है, अक्सर करके मैंने देखा है कि हम बड़ों के साथ होता है कि हम कुछ शब्द बोल देते हैं और अचानक हमको लगता है नो आई एम सो सॉरी आई डिड नॉट मीन इट राइट. शब्द को अभी हमारा कंट्रोल नहीं होता जी. अब आज हम जो करेंगे कि जो हम शब्द बोल रहे हैं उस पर भी टोटल अवेयरनेस, टोटल अवेयरनेस. धीरे से जो मैं बोलूंगा उसका चित्र बनाना और उसको महसूस करना. सभी बोलिए, माई मेमोरी इज बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल. माई मेमोरी इज एक्सलेंट, इज एक्सलेंट. तो जब आप जितनी बार उसको महसूस करोगे, और प्लीज लास्ट मैं सभी बड़ों को रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी ये संकल्प नहीं करिए कि मेरा मेमोरी कम हो रहा है. कभी ये संकल्प भी नहीं लाइए, और आप ये हर दिन महसूस करिए, माय मेमोरी इज बिकमिंग स्ट्रांग, माय मेमोरी इज बिकमिंग पावरफुल. तो ये प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं ऑटोमेटिकली आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा. स्वामी सर आपने बिल्कुल राइट कहा, मेरी कोई चीज खो जाती है तो मैं जनरली क्या करता हूँ, फ्लैशबैक में जाता हूँ, उसका पिक्चर देखता हूँ कि मैंने उसे कहाँ रखा था. और ऐसा मेरे साथ हुआ है, वो चीज मुझे मिल जाती है राइट. तो ये बहुत ही बेनिफिट वाला आपने जो तरीका बताया हमारे बच्चों को, और ये जो टेक्निक आपने बताई कि अवेयरनेस कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ बच्चों के लिए लेकिन बड़ों के लिए भी, तो हम इसको अपनी लाइफ में भी जरूर अप्लाई करेंगे. लेकिन एप्लीकेशन की जब बात आती है तो रितु जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब मालूम तो चल गया कि अवेयर होना है, पर इसको अप्लाई कैसे करें अपनी लाइफ में.
जैसे हम अवेयरनेस की बात करते हैं, हम हर समय किसी ना किसी अवेयरनेस में रहते हैं, राइट? जैसे कोई भी थॉट जब हम क्रिएट करते हैं, थॉट के बाद एक इमीडिएटली एक चीज आती है, वो है फीलिंग. मैंने एक थॉट क्रिएट किया कि यहाँ पे बैठ के मुझे कितना अच्छा लग रहा है, ओके, एंड इमीडिएटली फीलिंग कौन सी वाली आई? बहुत ही कंफर्टेबल, अच्छी वाली फीलिंग आई. दूसरा थॉट मैंने क्रिएट किया, अरे क्या अभी जाके भोजन करना है, सपोज एक थॉट, इमीडिएटली फीलिंग क्या आती है? जाना है, right? थोड़ा सा हाँ डिस्कम्फर्ट या नॉट सो पॉजिटिव फीलिंग हम एक्सपीरियंस करते हैं. तो ये जो अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं, इट बेसिकली इज आवर थॉट्स एंड हाउ वी फील आफ्टर दैट, ओके, राइट? तो अभी अवेयरनेस क्या क्रिएट करना है, जो भी रूटीन में मैं काम करता हूँ, वो काम करते समय मैं वो अवेयरनेस में रहूं जो मैं कर रहा हूँ, और उसमें भी फीलिंग जो है दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल. तो हम एक काम करते हैं बच्चों, हमारी डेली रूटीन लाइफ से कुछ सिचुएशंस लेते हैं, और हमारे यहाँ जो बच्चे आगे बैठे हैं वो क्या करेंगे, उन सिचुएशंस को आपको इनेक्ट करना है. रेडी है? फर्स्ट सिचुएशन हमारे लिए ये है, सोचे आप एक गार्डन में हैं, आपके पास एक बास्केट है और आपके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसपे लाल लाल एप्पल लगे हैं, ठीक है, और आप वो एप्पल को तोड़कर अपनी बास्केट में डाल रहे हैं. स्टार्ट. गुड, स्टॉप. आपको एक चीज ऐड करनी है, वो है अवेयरनेस. अब क्या अवेयरनेस में रहेंगे? सपोज मैं अवेयरनेस में हूँ दैट आई एम अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन, आई एम मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सन. तो अब सोचो आपके चेहरे में, आपके भाव में, आपके एक्सप्रेशन में क्या चेंज होगा, और आप जो फील कर रहे हैं उसमें क्या चेंज होगा. अब फिर से हम एप्पल तोड़ेंगे, लेकिन उस थॉट से दैट आई एम अ पावरफुल बींग, आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. रेडी एंड स्टार्ट. पेड़ को हिला दिया. मेरी पावर आ गई. ओके, सो नेक्स्ट. अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी गुड. सो दैट वाज वेरी वेरी क्रिएटिव. ओके, वेरी नाइस. नेक्स्ट वन. अभी हमें क्या करना है, सोचे आप हल्दी का दूध बना रहे हैं, हल्दी वाला दूध बना रहे हैं, ठीक है, गैस है और आप हल्दी वाला दूध जो भी मम्मा डालती है या आपने बनाया है, तो क्या डालना है, वो डाल के हल्दी वाला दूध बनाए. स्टार्ट. ओके, स्टॉप. अब वही चीज करते, हल्दी वाला दूध ही बनाते, लेकिन मैं बहुत खुशी खुशी बना रहा हूं, उस अवेयरनेस को यहां पे हम क्रिएट करें. रेडी? ग्रेट. स्टार्ट. वो खुशी, वो उस एनर्जी से हम करें उसी चीज को. वेरी गुड. स्टॉप. थर्ड सिचुएशन, सोचे आप गार्डन में हैं, ओके, और गार्डन में जो घास है वो थोड़े से बड़े हो गए और आप उन घास को काट रहे हैं. मैं मशीन से काटना या फिर हाथ से? आपका गार्डन है, आपका मशीन है, जैसे अच्छा लगता है, इट इज योर गार्डन, ठीक है. गाड़ी चला रहे ऐसा लग रहा है. ओके, गुड गुड. आप काटो, काट लिया, अच्छा इनका हो भी गया, छोटा गार्डन है, जल्दी हो गया. गुड, वेरी नाइस. जो नाखून होते हैं वो भी तो बढ़ते हैं, उनको भी तो हम काटते हैं, काटना जरूरी होता है ना, उसी तरह से इस घास की हेल्थ के लिए भी हम बहुत प्यार से उसको काटेंगे. शुरू हो जाए. गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू. सो यहाँ पे हमने अवेयरनेस को समझा कि अवेयरनेस क्या है और उसको हम कैसे डेली रूटीन एक्टिविटीज में हम अवेयर रह सकते हैं. अवेयर किन चीज़ों का? हमारे थॉट्स का, एंड सेकंड जो हम थॉट से फील करते हैं उसकी अवेयरनेस. लेकिन जितना हम इस अवेयरनेस में रहते हैं, बहुत नेचुरली हमारा जो कार्य हम कर रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो निखिल, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिल रही हैं आज के इस एपिसोड